एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रूप्स लाइफ। हाँ जी, अगर आपने मेरी पिछली कुछ वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता ही था कि हम लोग जो है पंजाब ट्रिप पे थे और वहां पर हम लोग शॉपिंग करने के लिए गए थे जी अम्बाला सिटी। अम्बाला बहुत फेमस है जी होलसेल मार्केट के लिए, वहां पर कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं। तो हमने वहां से जो है कुछ ड्रेसेस खरीदी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा, लिंक मैं जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो उस वक्त जो है शॉपिंग हॉल वीडियो बनाने के लिए मेरे पास प्रॉपर टाइम नहीं था, क्योंकि मुझे वो ड्रेसेस सारी स्टिच करने के लिए भी देनी थी। तो मैंने सोचा कि उस वक्त तो नहीं बना पाए, चलो अभी वापस आ गए तो अभी बना लेते हैं। तो जी आज की हमारी जो वीडियो है ये है जी फिर अम्बाला की शॉपिंग हॉल वीडियो, जिसमें हमने बहुत सारी ड्रेसेस ली है। प्राइस जो है मैं इनके सारे एंड में बताऊंगी, तो पहले हम पूरी ड्रेसेस देख लेते हैं, ठीक है जी। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। ओके जी, तो जैसे कि अभी विंटर का सीजन चल रहा है तो कपड़े भी फिर उसी हिसाब से आते हैं। पंजाब में तो इस वक्त बहुत ज्यादा ठंडी है, तो कॉटन के जो कपड़े हैं वो मुझे ड्रेसेस ज्यादा ऑप्शंस नहीं मिले, तो मैंने वहां से कोई भी कॉटन का इस बार जो वो ड्रेस नहीं लिया। ये सारे जो है ये अलग अलग मटेरियल है, जैसे कि जॉर्जेट में है, सिल्क में है, या फिर नॉर्मल जैसे सिंथेटिक हल्का सा मिक्स टाइप है, टापटा वगैरह उसमें है सारे ड्रेसेस, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ड्रेस। ये मेरा मैरून कलर का, ओके जी। तो ये जो हमारा ड्रेस है ये एक सेल्फ प्रिंट है, ये पूरा सेल्फ प्रिंट है। इसके अंदर फ्रंट में जी इसकी इस तरह से सीक्वेंस वर्क दिया गया है, एंड ये जो है ये भी सीक्वेंस से ना बनाया हुआ है। अलावा जी ये जो है हल्की से बीच बीच में भी अगर आपको सीक्वेंस दिख रहे होंगे, देखिए इस तरह से, ठीक है। तो ये है जी हमारा एक फर्स्ट ड्रेस। फ्रंट में तो वर्क है, लेकिन बैक साइड जो है ये इसकी बिल्कुल जो है वो प्लेन है, ठीक है जी। तो इसके साथ मैंने जी सिलवाया है प्लाजो। तो जो है पैंट प्लाजो हमारा जो आता है ये नॉर्मल प्लेन सलवार का कपड़ा है, और प्लेन मतलब सॉलिड कलर है, मैरून कलर, इसमें कुछ भी प्रिंट वगैरह नहीं है, ठीक है जी। तो इसका मैंने सिलवाया है जी प्लेन जो है वो प्लाजो। अब इसका दुपट्टा देख लेते हैं। तो लीजिए ये जो इसका दुपट्टा है, जैसे कि पंजाबी सूट्स में दुपट्टे काफी बड़े होते हैं, ठीक है जी। तो ये काफी सुंदर सा दुपट्टा है, इसके ऊपर हम लोग देख सकते हैं, देखिए जी सीक्वेंस वर्क किया हुआ है पूरा, एंड इस तरह से जो है बॉर्डर पे भी है, जो हमारा ड्रेस का जो कपड़ा है उसी के साथ जो है बॉर्डर एक बना के दिया गया है, तो मैं उसको मैचिंग करने के लिए। तो ये है हमारा दुपट्टा, तो ठीक है। अभी हम देख लेते हैं हमारा सेकेंड ड्रेस। तो जी सेकेंड वाला जो ड्रेस है इसका कलर मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। तो ये भी जी एक प्रिंटेड ड्रेस है, प्रिंटेड ड्रेस के अंदर थोड़ा सा इसके अंदर हमने देखिए यहाँ पर थ्रेड वर्क किया हुआ है, ये पूरा थ्रेड वर्क है, देखिए पूरा नेक और ये सब बना हुआ है, बीच में इसके जो है स्टोन्स लगे हुए हैं छोटे छोटे, ठीक है जी। एंड वैसे मैं ना हमेशा 3-4 स्लीव्स पहनती हूँ, इसीलिए स्लीव्स इस तरह से मैंने पूरी ड्रेसेस की ऐसी बनवाई हुई है। तो इसके जो है फ्रंट में भी ना इस तरह से नीचे वर्क किया गया है, मैं आपको दिखा दीज दिख रहा है। तो इस तरह से फ्रंट में पूरा वर्क किया गया है, साथ में दी गई है जी गोटा पत्ती वाली लेस थोड़ी सी, तो इससे ना इसकी जो लुक है ना वो अच्छी आ जाती है। पहना हुआ ये ड्रेस बहुत अच्छा लगता है। फ्रंट में तो इस तरह से सारा सीक्वेंस एंड वर्क है, बैक साइड जो है इसकी पूरी प्लेन है। इसके साथ जो हमारा बॉटम है वो भी है जी बिल्कुल प्लेन, जो सॉलिड कलर का, जैसे कि मैंने आपको मैरून वाला दिखाया, तो प्लेन सॉलिड है। तो ये इसका प्लेन बॉटम है, ये भी जो है मैंने सिंपल प्लाजो जो है वो स्टिच कराया है। अब इसका दुपट्टा देख लेते हैं, दुपट्टा इसका भी मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आया, लीजिए। तो ये है जी हमारा इसका दुपट्टा, ठीक है जी। बारीक बारीक गोल्डन कलर के इसके अंदर सीक्वेंस है, अगर आप देख सको तो, और ये वर्क जो है ये पूरा थ्रेड वर्क है, साथ में ये कट वर्क किया हुआ है, आजकल बड़ा ट्रेंडी सा चल रहा है ना कट वर्क वाला, तो ये सारा कट वर्क वो किया हुआ है और ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन में है, तो ये बहुत ही अच्छी लग रही है, ठीक है। ये देखिए, ओके ओके जी। तो नेक्स्ट जो हमारा ड्रेस है वो है जी ये वाला। तो ये पर्पल कलर का ड्रेस है, इसके ऊपर बहुत ही सुंदर सा जो है देखिए वर्क किया गया है। इसे हम बोलते हैं जैसे कि हमारा जो बनारसी होता है ना, बनारसी सूट जैसे कपड़ा बोलते हैं बनारसी वाला, ये कुछ उस तरह का जो है सेल्फ है, थोड़ा सा इस पे प्रिंट मारा हुआ है, एंड इसके नीचे यहाँ पर जो है पूरा प्रिंट किया गया है इस तरह से मल्टी कलर में। तो नीचे उसकी तरफ एंड में दिया गया है बॉर्डर, और साथ में यही हमारी गोल्डन कलर की जो पट्टी आजकल चल रही है वो, एंड इसका जो बैक है ये पूरा प्लेन है, तो इसकी जो स्लीव्स है ये भी पूरी प्लेन है, देखिए कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इसके साथ जो है हमें मिल जाता है जी प्लेन बॉटम,
सेम सॉलिड कलर में, जैसे कि हमने अभी तक मैंने आपको दिखाया पूरा, सारे प्लेन बॉटम ही है, प्रिंटेड बॉटम वाला कोई नहीं है। तो ये भी मैंने सिंपल प्लाजो ही सिलवाया है। एंड इसके साथ जो हमें मिलता है ये प्योर का दुपट्टा, तो दुपट्टे की दो तरफ जो है लेस लगी हुई है, वो भी साइड में, काफी हल्का फुल्का सा डेली वेयर टाइप पहनने में बहुत अच्छा है ये ड्रेस। देखिए गोल्डन कलर का जो है इसमें बॉर्डर दिया गया है, वो भी सिर्फ दो साइड है। इससे पहले बाद जो है हमारे एक और ड्रेस है, एंड ये जो ड्रेस है ना, ये कलर मैंने जो है पहली बार लिया है जी। तो ये देखिए जी, ये हमारा ड्रेस है, इस ये जो है पूरा प्रिंट है। यहाँ पर फ्रंट में देखिए, पहले नेक बना हुआ है, नेक के ऊपर हमें यहाँ पर बटन्स मिल जाते हैं, ये लगी हुई है लेस। तो ये सेमी स्टिच कुर्ता टाइप का जो है वो ड्रेस है ये। एंड इसके ऊपर ये जो आप देख रहे हो ये भी प्रिंट है, और प्रिंट के ऊपर जो है सीक्वेंस वर्क थोड़ा थोड़ा जो है वो किया हुआ है, ठीक है जी। गोल्डन कलर के सीक्वेंस है। इसकी स्लीव्स के ऊपर हमें हल्का हुल्का सा जो है वो प्रिंट मिल जाता है, तो दोनों साइड में ठीक है। और इसका जो बैक है, ये बैक नेक में भी प्रिंट है, यहां तक इसके जो नीचे है ना ये भी लेस लगी हुई है, देखिए प्रिंटेड से इसका बॉर्डर बना के इसमें गोटे की जो नीचे लैस दे दी है। तो ये जो कपड़ा है जी, ये सेल्फ प्रिंट वाला है। साथ जो हमारी बॉटम आती है वो भी है जी प्लेन, तो इसका भी मैंने जो है प्लेन प्लाजो ही स्टिच कराया है। एंड इसका जो दुपट्टा है वो बहुत ही खूबसूरत है, तो मैं पहले आपको दुपट्टा ना अलग से लेके दिखा देती हूँ। ये देखिए जी, इसका जो दुपट्टा है ना, दुपट्टा देख के ही मैं तो ज्यादातर ना सूट ले लेती हूँ, हमेशा मेरे साथ यही होता है, मुझे दुपट्टे ज्यादा अच्छे लगते हैं, फैंसी थोड़े, है ना। तो ये है जी इसका दुपट्टा, इसके ऊपर जो वर्क किया हुआ है ये देखिए, ये पूरा थ्रेड वर्क है, ये पूरा रेड कलर, पिंक, ग्रीन, ये पूरा थ्रेड वर्क है, और वही जी आजकल जो हमारी कटिंग चल रही है वो वाला। तो ये है जी इसका दुपट्टा, इसके बीच में भी ना आप देख सकते हो बूटी बनी हुई है। ओके जी, तो नेक्स्ट जो हमारा ड्रेस है वो है जी ये पीची शीरा कलर है। ये वाला जो ड्रेस है ना, मैंने अमृतसर ब्लॉग में पहना भी हुआ है, अगर आपने उसमें देखा होगा तो आप पहचान जाओगे, ये वो वाला ड्रेस है। तो ये ड्रेस का जो है कपड़ा बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, मुलायम है, इसके ऊपर भी पूरा जो है देखिए प्रिंट किया हुआ है, एंड बीच में जो है गोल्डन कलर के जो है स्टोन्स थोड़े थोड़े लगे हुए हैं, ठीक है जी, फ्रंट साइड में। एंड बैक जो है इसका पूरा प्रिंटेड है, प्लेन है, स्टोन वर्क कुछ नहीं है। फ्रंट में जो है स्टोन वर्क के साथ हमें नीचे बीच में मिल जाता है जी थोड़ा सा थ्रेड वर्क। देखिए ये हमारा सारा नीचे जो पल्ला है, बॉर्डर है, ये सारा उसका थ्रेड वर्क है, उसके ऊपर इस तरह से छोटी छोटी बूटी भी बनी हुई है, तो ये भी पूरा थ्रेड वर्क है, मतलब कि फ्रंट साइड में पूरा इस तरह से हमें थ्रेड वर्क मिल जाता है, एंड बीच में सारे हमारे जो है वो स्टोन्स आ जाते हैं, ठीक है जी। तो इसके साथ जो हमारा बॉटम है ये भी प्लेन है जी, तो ये प्लेन बॉटम, वही मैंने सिंपल प्लाजो सिलवाया है इसके साथ, और इसके साथ जो दुपट्टा है वो भी बहुत ही सुंदर है। तो ये जो है ये हमारा जो है दुपट्टा है, देखिए जी इसके ऊपर जो है कॉर्नर्स में इस तरह से थ्रेड वर्क किया गया है, एंड कॉर्नर में सारा थ्रेड वर्क हमारा इस तरह से आ जाता है, और इसका जो बॉर्डर है वो रेड कलर में दे दिया है। जो वर्क है वो तो सेम जो हमारा ड्रेस का कलर है वही कलर है, ठीक है। एंड इसके अंदर भी हमें पूरा स्टोन्स जो है वो मिल जाते हैं, गोल्डन कलर के सारे स्टोन्स लगे हुए हैं। आ जाता है हमारा नेक्स्ट ड्रेस, ये भी मैंने जो है, तो ये वाला जो है ये बेबी पिंक कलर है, एंड ये प्योर जॉर्जेट में है, ये वाला ड्रेस प्योर जॉर्जेट में है। इसके अंदर जो लाइंस है आप देख सकते हो, गोल्डन कलर की लाइंस है, इसके अलावा इसके ऊपर कोई मतलब प्रिंट नहीं है, कढ़ाई नहीं है, कोई वर्क नहीं है, बस ये गोल्डन लाइंस जो है इसके साथ इसकी पूरी जो है वो ग्रेस आ जाती है। तो ऑल ओवर जैसे हम लोग बोलते हैं ना, थोक में कपड़ा लेके स्टिच करवाया टाइप, ये कुछ उस तरह का है। बस इसका जो बॉर्डर है इसके ऊपर यहाँ पर एंड में जो है वो रिबन दे दिया गया है, और साथ में जी इसके दे दिया गया है थोड़ा सा गोटा पत्ती के वाले लेस, ठीक है। तो इसे भी मैंने जो है 3/4 बनाया है, स्लीव्स लेस जो है ये साइड में ना थी नहीं, तो हमारे जो टेलर थे उन्होंने हमारा जो है इस तरह से अलग से लाके लगा दी थी लेस, ताकि वो मैचिंग सी हो जाए, रिबन ही है बेसिकली। तो ये तो इसके साथ भी थोड़ी ग्रेस अच्छी आ जाती है। इसके साथ जो है मैंने प्लेन बॉटम सिलवाया है, इसका जो कपड़ा है ये सिल्क का है, तो अभी तक हमने जो देखे वो थोड़ा टापटा एंड कॉटन मिक्स टाइप थोड़ा सिंथेटिक था, लेकिन ये प्योर जो है प्रॉपर सिल्क में आ जाता है, तो ये उस तरह का है। इसका जो दुपट्टा है जी वो इसकी सबसे मतलब मेन अट्रैक्शन है, तो ये दिखा देती हूँ मैं आपको। जैसे कि मैंने आपको बताया, दुपट्टा देख के मुझे दुपट्टा अच्छे लगते हैं हैवी वाले, ठीक है। तो ये है जी इसका दुपट्टा, तो ये दुपट्टा पहले आप दूर से देख लीजिए। इस दुपट्टे के अंदर आप जैसे कि देख रहे हो कि पिंक कलर के ऊपर जो है प्रिंट दिया गया है, और ये जो आप इसके अंदर लाइंस देख रहे हो ये सारी है जी थ्रेड वर्क, तो ये व्हाइट कलर का पूरा थ्रेड वर्क है,
एंड ये पूरा लंबा लंबी पूरी चुन्नी पे है, काफी सारी लाइंस है, तो इसके साथ जो है पूरी गेटअप हमारी ड्रेस की आ जाती है। बाकी दुपट्टे के चारों तरफ इस तरह से हमें गोटे वाली जो है वो लैस मिल जाती है। ओके जी, तो अब बारी है जी थोड़े से हैवी ड्रेसेस के लिए, बहुत ज्यादा हैवी नहीं है, हल्के फुल्का जो है थोड़ा वर्क वाला है, ठीक है जी। तो ये है जी उसमें हमारी पहली ड्रेस, तो ये येलो कलर की ड्रेस है, ये भी सिल्क के ऊपर ही है, कुछ क्रेप सिल्क सा मिक्स है। इसके ऊपर हम देख सकते हैं कि इस तरह से गोल्डन जो है वो लाइंस बनी हुई है, एंड यहाँ पर बॉर्डर में जो है पूरा वर्क किया गया है पल्ले के ऊपर, तो ये पूरा सीक्वेंस वर्क है, बीच में थोड़ा सा थ्रेड वर्क है, मिक्स करके इसका जो है लुक अच्छा बनाया गया है, मतलब अलग सा डिजाइन है ये थोड़ा सा। एंड इसके जो बैक है वो जी पूरा प्लेन है, स्लीव्स भी इसकी पूरी जो है वो प्लेन है, नेक के ऊपर हमने थोड़ी सी गोल्डन कलर की जो है इसमें लैस लगा दी ताकि ये थोड़ी सी लुक अच्छी आ जाए। साथ भी जी हमने सिलाया है प्लाजो, तो इस प्लाजो और ये दोनों सेम मटेरियल है, ये भी सिल्क है, नॉर्मल हमारा जो पैंट प्लाजो होता है वो। इसका जो दुपट्टा है जी वो भी थोड़ा सा हल्का भारी है, तो इसे हम बहुत ज्यादा हैवी वर्क नहीं बोल सकते हैं, जस्ट थ्रेड वर्क है, पूरा गोल्डन कलर का थ्रेड है इसके अंदर, एंड उसके ऊपर जो है ये पूरा वर्क किया गया, देखिए डबल लाइन जो है ये वर्क की हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है, एंड दूर से अगर हम इस तरह से देखें तो बीच में लंबी लंबी लाइंस है ताकि वो ड्रेस के साथ मैच हो जाए। इसका जो बॉर्डर है वो डबल है और ये पूरा जो है थ्रेड में है, इसके कॉर्नर पे भी जो एजेस है जी वो कटिंग वाले जो है हमारी आजकल जो चल रहे हैं वो है जी। इसके अलावा हमारी जो नेक्स्ट ड्रेस आ जाती है ये जी, थोड़ा सा अलग सा कलर, एक बॉटली ग्रीन सा कलर है जी ये, और ये भी देखने में मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा ड्रेस। इसके जो फ्रंट में आप देख सकते हो इस तरह से वर्क किया गया है, ये पूरा सीक्वेंस का स्टोन का वो बोलते हैं ना सिप्पी सा वर्क, तो ये वो वाला पूरा वर्क किया है, बीच में थोड़ा सा जी इसके थ्रेड वर्क भी है किया हुआ, एंड गोल्डन कलर है इसके जो वर्क किया हुआ है, एक्चुअली ड्रेस डार्क कलर की है ना तो गोल्डन कलर बहुत ज्यादा उठ के दिख रहा है इसके अंदर, तो बीच बीच में इसके जो इस तरह से फ्लावर्स बने हुए हैं नीचे बॉर्डर में, एंड में इस तरह से लेस की जो है लगा के खोला, थोड़ी गोटा पत्ती लगा के डिजाइनिंग सी करी हुई है, ये इसी तरह से आया था, एंड सेम इसकी जो है स्लीव्स पे भी हमें इस तरह से जो है वर्क मिल जाता है, मतलब ये पट्टी इस तरह से मिल जाती है, ठीक है। बैक जो है इसकी पूरी जो है वो प्लेन है, एंड फ्रंट जो है इसका लुक इस तरह से आया। इसका जो बॉटम है वो भी हमने जी सिलवाया है जी ये प्लेन प्लाजो, एंड इसका जो दुपट्टा है वो भी थोड़ा वर्क वाला है, तो ये है जी इसका दुपट्टा लीजिए, राइट, तो ये इसका दुपट्टा है और इसका लुक जो है कुछ इस तरह से आता है, ठीक है। दुपट्टा मैं आपको एक बार नजदीक से दिखा देती हूँ, तो ये जी इसका दुपट्टा है, दुपट्टे के ऊपर इसके ऊपर जो वर्क किया गया है उसके साथ ही मैचिंग लेस लेके जो है इसके ऊपर लगाई गई है वही सेम वर्क किया हुआ है, तो ये जो है चारों तरफ बॉर्डर जो है इसके दिया गया है, लेस जो है ये पूरी चारों तरफ लगी हुई है, एंड बीच में भी है जो हल्के हल्के से स्टोन दिए गए हैं, जैसे छोटे छोटे चार स्टोन्स मिला के ना तो एक ऐसा डिजाइन फ्लावर सा बना दिया है, तो ये है, ठीक है। दूर से देखिए तो दुपट्टा काफी अच्छा है, प्योर का दुपट्टा है तो देखिए लुक ही अच्छी आ जाती है पूरा। अभी मैंने येलो ड्रेस पहनी हुई है उसके ऊपर ये दिया हुआ, फिर भी देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ना, तो ड्रेस पहनने के बाद ही सबसे अच्छा मतलब लुक जो है इसकी बड़ी अच्छी आएगी। तो ये है जी हमारी ड्रेस, और क्या रहेगी, हाँ जी लास्ट दो ड्रेसेस अब वो भी देख रहे हैं, तो जी पहले हम देख लेते हैं जी हमारी ये ऑरेंज कलर की ड्रेस, तो ये है जी हमारा ऑरेंज कलर का ड्रेस, और इसके ऊपर ये जो डिजाइनिंग की हुई है ये सारा सीक्वेंस वर्क है, ये पूरा जो आप डिजाइन देख रहे हो ना इस तरह से इसकी कटिंग देखिए बनी है, पूरा सीक्वेंस वर्क किया हुआ बहुत ही सुंदर है। इसके नेक के ऊपर भी इस तरह से हमें जो है वो वर्क मिल जाता है, बॉर्डर जो स्लीव्स पे लगाया ये टेलर ने लगाया जी, इसकी बिल्कुल प्लेन था, इसके साथ कुछ नहीं था, प्लेन कपड़ा ही था, ठीक है जी। खाली इसका जो फ्रंट है ये भरा हुआ था और इसका जो नीचे बॉर्डर है उसकी जो फिनिशिंग है वो इस तरह से दी गई है। तो ये फ्रंट साइड है हमारा ड्रेस का, बैक साइड में जी ये पूरा प्लेन है और इसमें भी मैंने बस हल्की सी डोरी लगवाई है, ज्यादा हैवी नहीं लगवाई है। इसके साथ भी जो हमने जो प्लाजो सिलाया है वो भी प्लेन है, कपड़ा इसका जी वही है थोड़ा सा सिल्की टाइप सा, ठीक है जी, क्योंकि पार्टी वेयर है तो थोड़ा सा सिल्की सा जो होता है वो अच्छा लग रहता है। तो ये इसके साथ प्लेन कलर है, एंड इसके साथ जो दुपट्टा है वो जी हमारा ये, इसके ऊपर जो वर्क किया है ये पूरा जी हमारा थ्रेड वर्क है,
तो देखिए ये पूरा गोल्डन कलर का जो थ्रेड है उससे डिजाइनिंग करके जो है इसका बनाया गया है। बॉर्डर जो है इसके कटिंग वाले हैं और कटिंग वाले बॉर्डर के ऊपर भी इस तरह से गोल्डन कलर की जो है वो फिनिशिंग की हुई है। अब हमारा लास्ट ड्रेस, तो हमारे घर में पूजा थी जी, पार्ट पे मैंने ये वाला ड्रेस पहना था एंड ये पहना हुआ बहुत ही सुंदर लग रहा था। फोटोज मैंने ऑलरेडी डाली हुई है हमारे उस पे रूप्स लाइफ पे, हमारा इंस्टाग्राम है रूप्स लाइफ _2021, आप उसे भी फॉलो कर लीजिए, तो ना साथ साथ में जो अपडेट्स वहाँ मिलते रहते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा जो है स्काई ब्लू कलर का ड्रेस है, इसका जो है जी वर्क वो भी बहुत सुंदर किया हुआ है, थोड़ा सा मिक्सिंग सा वर्क है बीच में, थ्रेड सीक्वेंस वर्क एंड ऑल सारा देखिए गोल्डन कलर की जो है सिप्पियां भी लगी हुई हैं, स्टोन्स भी लगे हुए हैं। तो ये जो हमारा ड्रेस है ये फुल सामने से जो फ्रंट है इसका फुल्ली जो है वो भरा हुआ है। ठीक है जी, इसका जो बॉर्डर देख सकते हैं आप, नीचे में जो पल्ला होता है वो भी काफी ज्यादा हैवी है इस तरह से। इसका जो बैक है वो है जी हमारा बिल्कुल प्लेन। ठीक है जी, तो इसके साथ जी मैंने सिलवाई है जी हमारी सलवार। सारे जो ड्रेसेस है ना वो मतलब पूरे प्लाजो वाले थे, तो ये मुझे गुरुद्वारा साहिब में पहना था पार्ट पे, तो मैंने सोचा जी इसकी क्यों ना सलवार सिलवा ली जाए, तो इसके साथ जो है जी खुली मैंने सलवार सिलवाई है जी, पंजाबी सलवार। और इसका जो दुपट्टा है जी वो भी बहुत ही ज्यादा सुंदर है, बिल्कुल प्लेन दुपट्टा है, दुपट्टे के ऊपर लगी हुई है जी गोटा पत्ती वाली लेसेस। देखिए इसका जो बॉर्डर है इसके ऊपर इस तरह से गोटे की जो है वो पूरी पत्ती लगा के है, सारी उसकी बॉर्डरिंग चारों तरफ बॉर्डर लगाया हुआ है, बहुत सुंदर इसका ये है। सेंटर में भी गोल्डन कलर की जो हमारी लेस है गोटा पत्ती वाली, उसी के साथ डिजाइनिंग जो है वो की हुई है। ओके जी, तो ये थी हमारी शॉपिंग हॉल। तो इसके अलावा मैं आपको अब इसका प्राइस बता देती हूँ, मेरी जितनी भी सारी ड्रेसेस हैं, मेरी ये सारी ड्रेसेस 1500 से लेके 3200 तक की रेंज के अंदर है। ठीक है, जब मैं शॉपिंग करने के लिए गई थी ना, मैं पहले ही अपना मन बना के गई थी कि 3000 से ऊपर मुझे कोई ड्रेसेस नहीं लेनी है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी ज्यादा ड्रेसेस चाहिए थी तो हल्के फुल्के फंक्शंस पे पहनी जाए। मेरे पास पहले ऑलरेडी इतनी हैवी ड्रेसेस है, एक या दो बार मैक्सिमम वो पहनने में आती है, उसके बाद वो फिर वो पहनी नहीं जाती है, तो मुझे थोड़ी लाइट वेट भी चाहिए थी, थोड़ी कंफर्टेबल सी रहे और ज्यादा मुझे खर्चा भी नहीं करना था, तो इसीलिए मैंने अपनी जो ये रेंज है वो सेट कर ली थी। बाकी अंबाला के अंदर बहुत ज्यादा सेल होलसेल वाली मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, अलग अलग है। इस बार जो है ना मुझे चाहिए था हल्का फुल्का सा, तो इसलिए हम लोग जो छोटा वाला मार्केट है ना जहां पर छोटी दुकानें होती हम लोग वहां पर गए थे, मतलब शोरूम्स नहीं थे, ये प्रॉपर शॉप्स थी, जैसे कि गली के अंदर बहुत सारी शॉप थी और वो अंदर ना बहुत ही मतलब फ्रंट में मुझे जैसा लगा कि भाई छोटी दुकान है, लेकिन जब हम लोग अंदर गए तो वो एक्सटेंशन कर करके के बहुत बड़ी बनाई हुई थी, उनके पास भी बहुत ज्यादा स्टॉक था, हर रेंज का उनके पास स्टॉक था। तो जब कभी भी आप शॉपिंग करने के लिए जाओ तो अपना अगर बजट बना के चलो तो बेटर रहता है, क्योंकि ना फिर भी देखो कि इतने सुंदर सुंदर ड्रेसेस होती है ना, मन देख के ना लग जाता है भाई ले लो। लेकिन ना मैंने उनको जाते ही बोल दिया था कि भैया 3000 से ऊपर कोई ड्रेस मत दिखाना, 1500 से शुरू करो और 3000 के ऊपर मत जाना। फिर भी उन्होंने 2-3 ड्रेसेस दिखाई, लेकिन फिर मैंने वो ली नहीं, क्योंकि मुझे लेनी नहीं थी ज्यादा हैवी ड्रेसेस। ठीक है जी, एंड उसके अलावा एक और टिप दे देती हूँ, जब हम लोग शॉपिंग करने के लिए ऐसे जाते हैं, जैसे कि हम लोग पटियाला से अंबाला गए थे तो इट्स अराउंड 1 आवर का जर्नी हो जाती है, तो अगर कोई चीज डिफेक्टिव निकल आए तो उसको वापस करना जो है ना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो जब आप शॉपिंग करने जाते हैं ऐसी जगह पे तो इस चीज का ध्यान रखो कि हर चीज को अच्छे से खोल के मतलब देख लो कि कहीं पर कुछ टोक वगैरह तो नहीं लगी, कुछ कटा फटा सा तो नहीं है, या फिर जो हमारी लेंथ है इस शर्ट की जो वर्क किया है वो लेंथ उसके साथ मैच कर रही है। कई बार ऐसा होता है कि भी हमारी हाइट छोटी होती है लेकिन जो वर्क किया होता है ड्रेस के ऊपर वो ज्यादा होता है, ऊपर नेक बना होता है नीचे हमारी पल्ला बना होता है, तो उस कंडीशन में वो खराब हो जाती है। दूसरी ऐसी कि जिसकी हाइट लंबी है और वर्क कम होता है तो वो शर्ट छोटा हो जाता है, तो ये सब चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखो। बाकी कपड़ा मटेरियल तो हम लोग को पता ही होता है कि हम लोग को कैसे। ठीक है जी, तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।